गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग लिखा गया है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। ठीक है, ये आपका संख्या रेखा है, ये आपका पूर्णांक लिखा गया है। क्लियर है, पहले समझेंगे संख्या रेखा को। देखिए संख्या रेखा जो है, ठीक है, ये संख्या इसका मूल बिंदु है, ये चीज को दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ ये शून्य है, ठीक है, यानी शून्य से डालने वाले भाग पर लोग प्लस में लिखते हैं और शून्य से बायां भाग में लोग माइनस में लिखते हैं। अर्थात ये आपका धनात्मक पद है, ठीक है, और ये से आपका ऋणात्मक पद है। अब जब भी हम लोग को शून्य से बढ़ना होता है दाएं तरफ तब लोग प्लस में बढ़ते हैं और शून्य बढ़ना होता है दाएं तरफ हम लोग बढ़ते हैं माइनस में, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह से हम लोग बाएं तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है कि संख्या रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। इसे पांच क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, ए नंबर, यदि बिंदु डी गुणांक, यानी बिंदु डी जो है डी का गुणांक माइनस 8 है तो प्लस 8 वाला बिंदु कौन सा है। समझेंगे यहाँ पे बिंदु डी क्या है जी, माइनस 8 का गुणांक देखेंगे, कितना गुणांक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, याद हो रहा है कि बिंदु डी क्या है, माइनस 8 का गुणांक है तो प्लस 8 का गुणांक क्या होगा। यहां समझेंगे कि प्लस 8 का गुणांक क्या होगा जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ई एफ, ठीक है, जी एच आई क्या होगा, जे के आई बात क्या होगा, जी इसमें भी यहाँ सीधा जे के स्पेस, यहाँ इसे थोड़ा ध्यान क्या देगा, यहाँ पूरा ध्यान जी क्या हो जाएगा। पूछा है बिंदु डी गुणांक माइनस 8 है तो प्लस 8 वाला गुणांक कौन सा होगा, इसमें आपको क्या होगा आंसर, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, यहाँ एक पॉइंट छूटा है, ये सब ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, एक बार आपका दो स्पेस खाली है, टू बी है, ठीक है, यहाँ कितना स्पेस आ गया, यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ का खाली, ठीक है। आज जो काम करेंगे क्वेश्चन पूछा है कि जो ये डी है क्या माइनस का 8 है, देखें ये माइनस का, ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8, यहाँ दे रखा है पूरा डी क्या माइनस का 8 है तो प्लस 8 वाला बिंदु कौन सा होगा, प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, यहाँ पे जी होगा। ये है क्या इसका उत्तर होगा, आपका इसका उत्तर हो गया होगा बिंदु क्या रहेगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए फिर तो आया दूसरा हमारा क्वेश्चन में कि बिंदु बी एक ऋणात्मक गुणांक है, बिंदु बी क्या है ऋणात्मक गुणांक है, देखेंगे बिंदु बी आपका क्या है ऋणात्मक गुणांक है, ऋणात्मक गुणांक है या धनात्मक गुणांक है, यहां देखेंगे बिंदु बी को आ रहा है मूल बिंदु है, इधर से क्या है ये सभी पद आपको क्या है ऋणात्मक पद बढ़ेंगे, ये पर क्या होगा इधर पर हो जाएगा धनात्मक यानी प्लस, क्या जाएगा प्लस,
यदि इस मूल बिंदु पर से बाहर चलो क्या करेगा, यह हो जाएगा ऋणात्मक ऋणात्मक यानी माइनस। क्लियर है, इस बात को समझ रहे हैं कि इस मूल बिंदु से गोलन के बाएं तरफ क्या होगा ऋणात्मक होगा और इस मूल बिंदु से गोलन के दाएं तरफ क्या होगा धनात्मक होगा। अब यहाँ पर एक बिंदु बी एक ऋणात्मक गुणांक है, बिंदु बी क्या है ऋणात्मक है अर्थात क्या है मूल बिंदु से बाएं तरफ बिंदु बी है क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक गुणांक है या धनात्मक क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा उत्तर होगा ऋणात्मक गुणांक। क्यों की क्या मूल बिंदु क्या है बाएं तरफ क्या लिखेंगे आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे ऋणात्मक गुणांक ऋणात्मक गुणांक। क्लियर है, चलिए ए और बी हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। वैसे बताएंगे ठीक है, बिंदु सी और ई के संदर्भ गुणांक लिखिए, बिंदु सी और ई के संदर्भ गुणांक लिखिए। संदर्भ गुणांक लिखिए, देखेंगे इसको इसको भी समझे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर है बिंदु सी और ई के संगत कुमार, बिंदु सी कहाँ है जी, बिंदु सी आपको मूल बिंदु सी की तरह बाएं तरफ अब देखिए इसको लिखना है संगत कुंडा अर्थात मान लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं माइनस नौ क्या कर यहाँ पर माइनस का दो यहाँ क्या करेगा माइनस का तीन यहाँ माइनस का चार यहाँ माइनस का पांच यहाँ माइनस का छ यहाँ माइनस का सात यहाँ क्या यहाँ माइनस का आठ। क्या पूछा है बिंदु सी, बिंदु सी क्या है माइनस का छ क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे बिंदु सी का संगत गुणांक बराबर संगत गुणांक गुणांक बिंदु सी का संगत गुणांक गुणांक बराबर क्या हो जाएगा माइनस का छ ठीक है। लिखना ई, आप देखेंगे ई कहाँ है तो ई जो बिंदु है क्या है मूल बिंदु से दाएं तरफ, इधर है मूल बिंदु से दाएं तरफ यानी क्या आ जाएगा ये प्लस का वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का फोर प्लस का फाइव प्लस का सिक्स प्लस का सेवन प्लस का एट। क्या कुछ है ई क्या है ई का क्या होगा संगत गुणांक प्लस का वन यानी कहेंगे बिंदु ई का संगत गुणांक क्या हो जाएगा प्लस का वन बराबर प्लस का वन ई आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सी आपको बन चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, डी में लिखा है कि संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, तो मूल बिंदु से बढ़ेगा तो बाएं सॉरी दाएं तरफ प्लस का है ये तो क्या है ये तो इस संख्या से बिल्कुल बड़ा है क्योंकि प्लस में है। अब देखेंगे इधर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इधर इधर जी बाएं तरफ क्या होगा सबसे छोटा, देखिए क्या होगा सबसे छोटा बिंदु क्या होगा क्या होगा माइनस का वन होगा क्या होगा इसमें आपका माइनस का वन ठीक है क्या होगा माइनस का वन। डी क्वेश्चन पूछ रहा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम, क्या इसका आंसर होगा
माइनस का वन, क्वेश्चन अधिकतर से क्या आ जाएगा माइनस का वन जो संख्या है सबसे छोटा है संख्या का स्थिर। ई कह रहा है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। अब देखिए ई नंबर क्या आ रहा है कि सभी बिंदुओं को उनके मानों को घटते क्रम में लिखना है। जैसे मान लीजिए ई में क्या है, ये क्या है, ई में क्या है दो है, जी क्या है जी चार है, एच क्या है पांच है, और छ है, और ये क्या है आठ है। इसको लिखना है घटते क्रम में, ठीक है। अर्थात सबसे क्या लिखेंगे जी ए, फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और फिर ई। ये क्या है घटते क्रम, ठीक है। यानी बड़े से छोटे से पढ़ना क्या होता है घटते क्रम में, ठीक। उसी प्रकार इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या होगा घटते क्रम में माइनस का मान, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, इसमें लिखेंगे माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स और माइनस का एट, ठीक है। दोनों क्या होगा इसका घटते क्रम। तो दोनों क्वेश्चन क्या है डी और ई का आंसर मौके बता दिया है, इसको आप लोग हल कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए आज का रहा क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ हम लोग पहली संख्या रखा पर अंक को ध्यान करना और उसको ढाकनात्मक काम करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।